गुड मॉर्निंग टेट क्लास, वेलकम टू हितेश्वर इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल। टेट क्लास अपन अपना सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। आज अपन इंग्लिश में क्या करेंगे, ऑपोजिट। ओ पी पी ओ एस आई टी ई एस ऑपोजिट्स। आज अपन क्या करेंगे इंग्लिश में, ऑपोजिट्स। बी ए बाय डे, डी ए बाय डे। डे मीन्स क्या होता है, दिन। डे मीन्स क्या होता है, दिन। तो दिन का उल्टा क्या होगा, रात होगा। जैसे अभी अपन दिन, अभी दिन है, दिन का उल्टा क्या होगा, शाम को क्या, रात को क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो दिन का उल्टा क्या होगा, रात। डे का क्या, रात को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइट। तो डे का क्या ऑपोजिट क्या होगा, नाइट। एन आई जी एच टी नाइट। नाइट मीन्स क्या होता है, रात। डी ए बाय डे, डे मीन्स क्या होता है, दिन। एन आई जी एच टी नाइट, नाइट मीन्स क्या होता है, रात। डे का ऑपोजिट क्या होगा, नाइट। फिर सेकेंड है बी आई जी बिग, बी आई जी बिग। बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा। बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा। बी आई जी बिग, बिग मीन्स क्या होगा, बड़ा। बड़े, बड़ा का उल्टा क्या होगा वापस, छोटा। एक तो बहुत बड़ा होता है और एक बहुत छोटा होता है, तो बड़ा का ऑपोजिट क्या होगा, छोटा। तो बिग मीन्स छोटे को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्मॉल। एस एम ए एल एल स्मॉल, स्मॉल मीन्स क्या होगा, छोटा। बी आई जी बिग, बिग मीन्स क्या होगा, बड़ा। एस एम ए एल एल स्मॉल, स्मॉल मीन्स क्या होगा, छोटा। तो बिग का ऑपोजिट क्या होगा, स्मॉल। फिर है एच ए पी पी वाई हैप्पी। एच ए पी पी वाई हैप्पी। हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश। हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश। तो हैप्पी का ऑपोजिट क्या होगा, सैड। हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश। सैड मीन्स क्या होता है, दुखी। खुश का उल्टा क्या होगा, दुखी। हैप्पी का ऑपोजिट क्या होगा, सैड। एस ए डी सैड, सैड मीन्स क्या होता है, दुखी। एस ए डी सैड, सैड मीन्स क्या होता है, दुखी। हैप्पी मीन्स खुश और सैड मीन्स दुखी। एच ए पी पी वाई हैप्पी, हैप्पी का ऑपोजिट क्या होगा, सैड। एस ए डी सैड। फिर है सी ओ एल डी कॉल्ड, सी ओ एल डी कॉल्ड। कॉल्ड मीन्स क्या होता है, ठंडा। कॉल्ड मीन्स क्या होता है, ठंडा। तो ठंडा का उल्टा वापस क्या होगा, गर्म। ठंडा का उल्टा क्या होगा, गर्म। सी ओ एल डी कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स क्या होता है, ठंडा। इसका उल्टा क्या होगा, गर्म। गर्म को अपन क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हॉट। कॉल्ड का ऑपोजिट क्या होगा, हॉट। एच ओ टी हॉट, हॉट मीन्स क्या होता है, गर्म। हॉट मीन्स क्या होता है, गर्म। कॉल्ड मीन्स ठंडा, हॉट मीन्स गर्म। सी ओ एल डी कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स ठंडा। इसका ऑपोजिट क्या होगा, हॉट। एच ओ टी हॉट, हॉट मीन्स क्या होता है, गर्म। फिर है डे नाइट। तो ये क्या है, ऑपोजिट है। डे का ऑपोजिट क्या होगा, नाइट। वीक का क्या होगा, स्मॉल। हैप्पी का क्या होगा, सैड। एंड कॉल्ड का क्या होगा, हॉट। डी ए वाई डे, डे मीन्स क्या होता है, दिन। डे मीन्स क्या होता है, दिन। दिन का उल्टा क्या होगा, रात। तो रात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइट। एन आई जी एच टी नाइट। फिर है बी आई जी बिग, बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा। बिग को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, बड़ा। बड़ा का उल्टा क्या होगा वापस, छोटा। छोटा को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मॉल। एस एम ए एल एल स्मॉल। फिर है हैप्पी, एच ए पी पी वाई हैप्पी। हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश। खुश का उल्टा क्या होगा, दुखी। दुखी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैड। एस ए डी सैड। फिर है सी ओ एल डी कॉल्ड,
ठंडा, तो ठंडी का उल्टा क्या होगा वापस गर्म, गर्म को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं हॉट, HOT हॉट। डे का ऑपोजिट क्या होगा नाइट, बिग का क्या होगा स्मॉल, हैप्पी का क्या होगा सैड, एंड गॉल का क्या होगा हॉट। DAY डे, डे का क्या होगा नाइट, NIGHT नाइट। बिग, बिग का क्या होगा ऑपोजिट स्मॉल, BIG बिग, बिग का होगा स्मॉल, SMALL स्मॉल। फिर है हैप्पी, HAPPY हैप्पी, हैप्पी का क्या होगा सैड, SAD सैड। फिर है कॉल्ड, COLD कॉल्ड, कॉल्ड का ऑपोजिट क्या होगा हॉट, HOT हॉट। तो आपका आज का इंग्लिश में वर्ड क्या, इंग्लिश के नोटबुक में आज की डेट लगाओगे, डे लिखोगे, हेडिंग डालोगे आप ऑपोजिट वर्ड्स, और आपको ये वर्ड अपनी नोटबुक में करना है। प्लस आपको इंग्लिश में ये डे का नाइट, बिग का स्मॉल, हैप्पी का सैड, कॉल्ड का हॉट, ये आपको लर्न भी करने। तो इंग्लिश में वर्ड क्या आपका ऑपोजिट वर्ड, रिटर्न में आपको वर्क करना है, प्लस आपको ऑरल में ये लर्न भी करना है। डे का क्या होगा नाइट, NIGHT नाइट, BIG बिग, बिग का होगा ऑपोजिट स्मॉल, SMALL स्मॉल। फिर है हैप्पी, HAPPY हैप्पी, हैप्पी का क्या होगा सैड, SAD सैड। फिर है COLD कॉल, कॉल का ऑपोजिट क्या होगा HOT हॉट। आपको समझ में आ गया ऑपोजिट आपका इंग्लिश में वर्ड क्या होगा, ऑपोजिट वर्ड लर्न करनी है स्पेलिंग, प्लस आपको ये वर्ड इंग्लिश के नोटबुक में करना है।